11 क्लास आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए जो हमने फिगर बनाया उसे ध्यान से समझे पहले। दिस इज़ द ओरिजिन, ये ओरिजिन है और ये ए पॉइंट है, बी सी। आप देख रहे हैं तीनों ही ए बी सी पॉइंट एक्स एक्सिस के होंगे, यानी कि जो हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले रखा है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी मोशन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हमने इंडिकेट कर रखा है अलोंग एक्स एक्सिस। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ए की पोजिशन क्या है, एक्स नॉट। यहाँ टाइम जीरो है इसीलिए हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ टाइम टी वन है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजिशन क्या है, एक्स वन। और सी पॉइंट पर टाइम टी टू है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितनी है, एक्स टू। ठीक है, अब एट टाइम जीरो ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए हैविंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन एक्स नॉट, है ना। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिन से ए तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स नॉट है, बी तक की एक्स वन है, सी तक की एक्स टू है। तो हमने तीनों के लिए लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी वन माइनस जीरो, यानी कि टी वन और जीरो टाइम, इस दौरान इस बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो आप देख सकते हैं तो कि टी वन और जीरो के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वन माइनस एक्स नॉट होगी, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट लिख दिया हमने। तो वेलोसिटी का लिखना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम कितना है इसके कोरिस्पॉन्डिंग, टी वन माइनस जीरो। तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट किसके बराबर आ गया, वी इंटू टी वन। ठीक है, तो एक्स वन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एक्स नॉट को इधर ले आइए, एक्स नॉट प्लस वी टी वन। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि एक्स वन इज अ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी वन, यस और नो। तो एक्स नॉट जो था ये प्लस में दिस, ये दोनों मिलाकर एक्स वन के बराबर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स वन जो है वो किसके बराबर है, एक्स नॉट प्लस दिस डिस्टेंस, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी वी है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब मूव कर रही है, तो वी वेलोसिटी हो गई, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी वी हो गई। और टाइम कितना लगा यहाँ जीरो से टी वन तक, टी वन, तो वी इंटू टी वन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। तो एक्स नॉट में वो डिस्प्लेसमेंट आप ऐड कर दो, यानी कि वी टी वन ऐड कर दो, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वन के। तो आपने देखा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी वन। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी टू माइनस जीरो, यानी कि इसके और इसके रेफरेंस में ले रहे हैं, तो टी टू माइनस जीरो में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स नॉट, सेम उसी तरीके से हमने एक्स टू निकाल लिया। तो अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, यानी कि वन और टू आई है, हमने वन को सब्ट्रैक्ट करना है टू में से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वी टी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, वी टी टू माइनस वी टी वन, वी बाहर टी टू माइनस टी वन। तो एक्स टू की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक्स वन इधर ले आइए, यू गेट दिस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहीं तक कंप्लीट हो जाता है वैसे, बस आगे हम थोड़ा सा इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मान लो फाइनल पोजीशन एक्स है और इनिशियल एक्स नॉट है, और एक्स के लिए जो टाइम लगा वो टी वन है, ठीक है, और एक्स नॉट पर टाइम जीरो है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इन टाइम इंटरवल टी वन माइनस जीरो, यही तो हुई ना, एक्स माइनस एक्स नॉट बिज डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम टी वन माइनस जीरो। तो एक्स माइनस एक्स नॉट को हमने क्या रिज्यूम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट एस। तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी वी है, टाइम कितना लग रहा है, टी वन माइनस जीरो यानी टी वन, तो एस इज इक्वल टू वी टी वन, ये आपके पास रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मेन रिलेशन आपके पास यहाँ तक है, यहाँ तक आप एग्जाम में कर लीजिए, आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन ड्राइव करवाया आपको, कई बार एग्जाम में कुछ स्कूल्स में दे दिया जाता है, बाकी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो इसे कभी नहीं देता, लेकिन कुछ स्कूल्स देते हैं, तो आप इसे कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आज आपको डिफरेंशिएशन करवाने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों के दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं इसी यूनिट में। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
लेकिन मैं आपको आज डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा, इंटीग्रेशन का बता दूंगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी। तो पहले आप डिफ्रेंशिएशन समझें। डिफ्रेंशिएशन बच्चे, मैंने यहाँ क्या लिखा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप ये भूल जाइए कि आप फिजिक्स की क्लास में, आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स आज आप सीख रहे हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। मैंने कहा y इज द फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स जैसे x की पावर n ले लिया मैंने, तो x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस है y की वैल्यू भी हम क्या कहेंगे, चेंज हो रही है, क्योंकि y किसके इक्वल, x रेज टू पावर n के। तो x में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज किसका माना जाएगा, y का। इसीलिए हम कह रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन इसका करना है y का, तो मुझे क्या लेना हो, किसके रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम जिसका डेरिवेटिव करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो वाई का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको कई नाम से बोला जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि वाई का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या मैं कहूँ वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या वाई का डी बाई डी एक्स करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तीनों चीज़ें एक ही हैं। क्या कहा मैंने, वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या y का d बाई डी एक्स करना है, तो बातें एक ही हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे, x रेज टू पावर n के, किसके इक्वल है, x रेज टू पावर n के। और इसका एक मेथड होता है, x रेज टू पावर n लिख दिया आपने, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये जो पावर है ये आगे ले आइए, ठीक है, फिर x पावर एक आप आगे लाए हैं तो ऊपर एक पावर कम कर दीजिए, n x n माइनस वन हो गया। क्या किया हमने, n को आगे ले आए, x पावर एक कम कर दीजिए, ठीक है। अब फिर डी वाई डी एक्स ऑफ, आप पावर को छोड़ दो, सिर्फ इस टर्म का, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हमने किया था डेरिवेटिव, सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, हमेशा वन होता है, ठीक है। यानी कि जिस भी टर्म का डेरिवेटिव आप करोगे जिसके रिस्पेक्ट में किया है तो हमेशा वन होगा, ठीक है। या आप इस फॉर्म, जैसे ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया ना, x की रेस्ट पावर n, n आगे ले आए, x और पावर एक कम हो गई, n माइनस वन हो गया। यहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, x रेस्ट पावर क्या है यहाँ पर, इस टाइम वन है। तो देखो, वन x, वन माइनस वन, वन एक्स रेस्ट पावर जीरो। तो किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो है तो चीज़ क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास वन आ जाती है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर वन क्या हुआ, वन हुआ, ठीक है। तो यू गेट एन एक्स एन माइनस वन, ये। तो यानी कि ये फॉर्मूला माइंड में रखो, ये जनरल फॉर्मूला है, x रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस वन होता है। क्या कहा मैंने, x रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस वन होता है। सिंपल है, पावर आगे ले आओ और ऊपर पावर में एक कम कर दो बस। अब d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n देखो, n आगे ले आए, ठीक है। ये कंप्लीट आप कैपिटल x मान लो, या जो भी आपको मानना है, यहाँ पर एक सिंगल टर्म मान लो, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। n ये हमने लिखा, पावर एक कम कर दो, n माइनस वन हो गया। फिर d बाई डी एक्स किसका करोगे, इस पूरी टर्म का करोगे, यानी जिसकी पावर लगाई थी। यहाँ पे भी हमने देखो, पावर n थी ना, किसकी थी, x की, तो x का डेरिवेटिव किया था हमने दोबारा। यहाँ n ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन हो गया, फिर पावर n किसकी थी, ए एक्स प्लस बी की ना, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे। तो n ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन। अब देखो, ए कॉन्स्टेंट है, टेकन आउटसाइड,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, जो कांस्टेंट है उसको डी बाई डी एक्स से बाहर ले लो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, एक्स नहीं लगा हुआ ना, एक्स की कोई पावर लगी हुई है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, तो जीरो लिख दिया। यहाँ देखो कोफिशियंट जो है ए है, यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एक्स लगा हुआ है, तो ए एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन, तो ए रह गया। अब क्या आ गया, ए एन ए ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, मान लो वन का डेरिवेटिव करना है तो जीरो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बताया मैंने, वन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का करना है तो क्या लिखोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग कर लो इसे, टू एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, टू बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। और यहाँ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो, डी एक्स कितना होगा, वन हो जाएगा, और यहाँ टू आगे ले आए और टू पावर में एक कम कर दिया, यानी टू एक्स रह गया। ठीक है, तो कितना आ गया, फोर एक्स प्लस थ्री। बच्चे इसे ना डायरेक्ट भी आप माइंड में ऑपरेट कर सकते हो, अभी तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से मैंने बताया है, वैसे माइंड में ऑपरेट करना कैसे करोगे, पावर टू आगे ले आओ, फोर हो गया आगे और ऊपर पावर एक कम हो गई, फोर एक्स हो गया प्लस थ्री, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, यानी कि थ्री रह गया, कांस्टेंट का जीरो, फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स का मतलब क्या, एक्स रेस्ट पर माइनस वन, माइनस वन आगे ले आए और पावर में वन कम कर दिया, यानी कि माइनस वन एक्स पावर माइनस टू हो गई। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का तो वन हो जाएगा, माइनस वन एक्स रेस्ट पर माइनस टू, यानी कि पावर को आप नीचे ले आओ तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डेरिवेटिव आपको करवाया, इसके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए, और कल मैं इसे बेस कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि आपके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो जाए।